जुहार नुआखाई एक्सप्रेस संगे मुयन राधा खबर मूलकर्मा मुख्य खबर नु खुल्ला भोट बक्स गंती जारी पश्चिम ओडिशा ने 10टा जिलार 27टा जिला परिषद ने भोट गंती 263 ने बीजेडी 20 ने बीजेपी और कांग्रेस 15 ने अगुआ बिगड़ने लगी युक्रेन युद्ध स्थिति भारतीयों को सुरक्षित फेर आनवा लगे केन्द्र और राज्य सरकार को चेष्टा दिल्ली ने ओडिशा निवासी खुलागला 24 घंटिया कंट्रोल रूम आरपारी ने ओडिशा पूर्वतन मुख्यमंत्री हेमानंद विश्वाल विधानसभा परिसर ने दिगला गार्ड ऑफ ऑनर जन्ममाटी झारसुगुड़ा ठाकुरपड़ा ने बा शेषकृत्य गलाकाली रायट ने हेतिला मृत्यु विपद ने बलांगीर खोर्धा 57 नंबर जातीय राजपथ उपर तेल नदी सेतु विपद भितरे जाना आना करुचन लुके 50 बच्छर पुर्णा ब्रिज रो अवस्था बेहाल सबु जानी की चुप प्रशासन आरु पैसा देले मिलबा आवास लांचुआंकर हाते सरकारी योजना कहा के मिलुचे तो कहा के नहीं योजना नु वंचित असली हिताधिकारी खबर की फिर्मा खुल्ला भोट बाक्स सकाल 8 बजे नु त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन भोट गंती मुलैचे पहला दिन राज्यर 315 जिला परिषद ने भोटगंती चली बेलके पहला दिन पश्चिम ओडिशार 10टा जिलार 87टा जिला परिषद ने भोटगंती होचे सबु ब्लक हेडक्वार्टर ने होचे गंती तीन दिन धरिकिना चलवा ई प्रक्रिया तबे गला पंचायत ने पश्चिम ओडिशा ने बीजेपी भल प्रदर्शन करथिबार बेलके इथर निर्वाचन ने बीजेडी दबदबा देखबाके मिलिचे एबे जहाँ अपडेट आउचे 273 आसन ने बीजेडी आगुआ थिबार बेलके 20टा आसन ने बीजेपी आर कांग्रेस 15टा आसन ने आगुआ अछे ई बाबद ने अधिक सूचना लगी बौद्ध नु सीताकांत आम संगे जुड़ी हिचन सीताकांत कोविड कटकना भितरे प्रचार हेला तार परे हिंसा भी देखबा के मिलला किंतु इस समय दृश्य अलग कहचे 2017 रे बीजेपी भल प्रदर्शन थिला किंतु इथर बीजेडी दबदबा देखा के मिलुचे देखुन अनुराधा आम वर्तमान अच्छा बौद्ध जिलार जो रही बौद्ध पंचायत महाविद्यालय जदि आम कह बौद्ध तीनोटी पर्यायर जो रही प्रथम पर्यायर आरंभ हो जाए भोट गणति बौद्ध ब्लक तीनोटी ब्लक आज भोट गणति प्रक्रिया आरंभ होता बेले एक नंबर जोन रे कंटामाल रही द्वितीय रही बौद्ध ब्लक तृतीय रही हरभंगा ब्लक से भाव में जब कह हरभंगा ब्लक 7 नंबर जिला परिषद आसन में वर्तमान सुधा जहाँ 4 नंबर राउंड रही चार नंबर राउंड रे बीजेपी ठारु बीजेडी 994 भोट रे आगुआ थिबा बेले कंटामाल ब्लॉक एक नंबर जोन रे बीजेपी ठारु सेठी मध्य 1554 भोट रे आगुआ थिबा बेले बौद्ध ब्लॉक रे बीजेपी प्रार्थी राकेश त्रिपाठी आगरे रही छंती जहाँकि रही 4235 भोट पाइबा बेले 1472 भोट रे बीजेपी प्रार्थी राकेश त्रिपाठी आगुआ रही जदि कह कंटामाल निर्वाचन मंडली बीजेडी प्रति वर्ष बाजीमात प्रति थर बाजीमात करी आसुवा बेले एथर किंतु परिवर्तन देखा देछि एवं कड़ा टक्कर मध्य रे
बीजेपी रही चार नंबर जोन रे जहाँ बीजेपी प्रार्थी से कड़ा टक्कर वर्तमान 1472 भोट रे आगुआ रही आम आलोचना करवा समस्त मन में उत्कंठा देखा देखिए जो फल प्रकाश पाँच निश्चित भाव समस्त मन में आशंका सृष्टि उत्पल्लित आम जी कहमा जो रही चार नंबर जोन जिला परिषद प्रार्थी आसन में बीजेपी भल प्रदर्शन करा कम सहित अच्छा बीजेपी रो राज्य कार्यकारिणी सदस्य कन्हे चरण डांगू आम तक सहित आलोचना करवा कण कह आज्ञा आपत जदि कह एक नंबर जोन रे बीजेपी एवं बीजेडी मध्य कड़ा टक्कर हो चार नंबर जोन रे बीजेपी आगरे रही जदि कह सात नंबर जोन रे बीजेपी कड़ा टक्कर रही हाँ एक सत जे बीजेपी एक नंबर जोन रे कंट्रोल ब्लॉक रे एक नंबर जोन एवं हरभंगार सात नंबर जोन रे कड़ा टक्कर दौची निश्चित भाव में बीजेडी सहित किंतु यहाँ आप जानवा दरकार जे बौद्ध ब्लॉक रो जोटा चार नंबर जोन सेठी बीजेपी बहुत आगे अच्छी बीजेडी प्रार्थी ठार बहुत आगे आप चार राउंड सुधा जो रिजल्ट देखिए 2600 भोट्रे आगुआ अच्छी बीजेपी प्रार्थी राकेश कुमार त्रिपाठी तो यह सब संभव हो पार्टी आम बीजेपी कर्मी मान अक्लांत परिश्रम बीजेपी प्रार्थी अक्लांत परिश्रम सर्वाग्रे मुझी यहाँ मोदीजी जनकल्याण कार्यक्रम हो राज्य मध्य जो के गुड़े इश्यू नहीं था परठू आरंभ कर मांगा डबल मर्डर आम ये लोकनाथ मर्डर केसियाल झोलीर एवं अन्यान जो जनविरोधी कार्यक्रम गुड़ाक हत्या नारी निर्यातना युवा ममिता हत्या मामला ये गुड़ा राज्य सरकार जो हिसाब से मंत्री मान सपोर्ट करके चापी देवा चेषा कले तार विरुद्ध जनमत पूरापूरी बाहर कर सर एट प्रतिफलित होती है चार नंबर जोन रु आपको आप देखिपारे एक नंबर में सात नंबर में निश्चित भाव में बीजेपी प्रार्थी मैंने आगुआ रहेंगे देखो जदि कह एक नंबर जोन में जो भाव में बीजेडी गड़ था और बीजेडी आगुआ रही है जदि कह कड़ा टक्कर मध्य से कमी जाए जहाँ देखा जा नहीं जो वर्तमान जहाँ जना पड़े बीजेपी किसीटा कमी कि कड़ा टक्कर दूसरी से यहाँ बीजेडी वाला भूलिया कथ नुह से पूरापूरी जीती गले बोलकर कड़ा टक्कर से फेस कर आगुरी सब बेले जीती आसते एथर कौ भाया परिस्थिति से फेस करते निजी निजे समीक्षा कले निश्चित भाव में जापारे देखो अनु जदि आम कह कंटामाल जो निर्वाचन मंडल रही है एक नंबर जोन में बीजेडी आगुआ रही बेले चार नंबर जोन में बीजेपी आगुआ रही है और सात नंबर जोन में कड़ा टक्कर मध्य बीजेडी आगुआ रही है आम सहित जो बीजेडी नेता अच्छा आम सहित आलोचना करवा कण कह आज्ञा आपत कहे बीजेडी जो भाई भाव में प्रदर्शन करने कथा से भाव में होने शुणत तो, बीजेडी तो प्रदर्शन करुच्ची एक रु नौ नंबर जून पर्यंत आम बाजिबाद करार आशा विश्वास अच्छी कारण ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक जो जनकल्याण कारण काम कर जन्मठार मृत्यु पर्यंत जो विकासमूलक कार्यक्रम कर से ताकू आदाय कर आम भोटर पाक जा तेणुक आम आशा करुच्छू एक रु नौ नंबर जून संपूर्ण भाव में बीजेडी बाजिबाद हेब एवं एक नंबर जून तो आगे चलती एवं सात नंबर जून हरभंगा ब्लॉक रो जेनटा से भी आगे अच्छी आम चार नंबर जून रे मात्र चार गोटी राउंड जा 110 गोटी वार्ड विशिष्ट चार नंबर जून रे आहरी अनेक बाकी अच्छी तेणुक आमर आशा अच्छी एवं आशा तथा दृढ़ विश्वास अच्छी कारण से चार नंबर जून रु आम विगत दिन में बहुत जिला परिषद आसन अलंकृत करूँ तेणुक आमर आशा तथा दृढ़ विश्वास अच्छी बीजेडी चार नंबर जून रे बाजिबाद कर देखु जहाँ आम बीजेडी नेता सहित आलोचना करूँ से कहते जे आग को राउंड बाकी रही है आग को जितबार रखी जी संबलपुर मलय भाई जोड़े मलय देखे बीजेपी इथर टे पछुआ रही जाइए बीजेडी ठानु आपन को लगुचे कि इथर जेन पंचायत निर्वाचन आगु सरकार भिन्न भिन्न स्कीम मान घोषणा कले जेनता कि ना कि स्वास्थ्य कार्ड बुली बुली बांटले तारपर हूँ घर घर के पैसा दिगला इटार प्रभाव इटा देखवाके मिलूचे के देखो अनुराधा जो देखमा जे इथर केन टे बीजेपी पछे रही अच्छे और बीजेडी आगे टे पलिचे आप देख सारा ओडिशार स्थित जेनता पश्चिम ओडिशार मिल से सामान स्थित रही है आम देखमा यदि समलपुर बरगढ़ झारसुगुड़ा देवगढ़ कथ यदि कहमी जगान बीजेडी यहाँ केन केन गोटे प्रकार आगुआ रही है ये समलपुर जिला थी गला 2017 पंचायत निर्वाचन थी जेन 18 सीट रही है जिला परिषद सीट ये भितर पूरापूरी 13 बीजेपी रखी और 5 बीजेडी रखी कितु एथर से अलग देखा मिलूँ कहीं कि जिते बारे 9 ब्लक न भोट हो 9 जोन रेन भोट हो भितर बीजेडी 8 टे आगे अच्छे और बीजेपी गोटे जोन थी रही है बरगढ़ कथा देखमा बरगढ़ से सामान स्थित भी देखा मिलूँ पूरापूरी 12 जोन सीट नुह जिते 12 ब्लक एज भोट गणती हो बरगढ़ जिलान य 12 भितर 4 बीजेपी हाथ रखी और बाकी
जेन रहला बाकीटा आ जेन बाकी आठटा रहला इटा माने भी आदे बीजेडी रखी जे बोली कि जहाँ एत तो जना पड़छे कहे लेकि देखुन राउंड के राउंड गोटे प्रकार गोटे जेन तथ्य आउछे से दिन जना पड़छे जे बीजेपी केते नंबर रहिछे बीजेडी केने रहिछे आ जे कांग्रेस कथा नै कहले बोल कहे लेकि कांग्रेस जे देखमा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ झारसुगुड़ा न इ जिल्ला मानकु केने न केने कांग्रेस खाता नै खुली पारबार आमे जे देखमा संबलपुर कथा मुझे कहमी जे संबलपुर आपन जेन थिबे जेते बेले देखुन निजे मंत्री माने बीजेडी दलर मंत्री माने बड़ बड़ मंत्री माने मंत्री सुशांत सिंह हो नव दास हो जेनता राज्य संगठन प्रमोद प्रकाश दास भी आसिक संबलपुर प्रार्थी लगे प्रचार करते कितु बीजेपी भी से सामान ढंग स्थित से भी करा जे निजे केन्द्रमंत्री थे निजे राज्य सभापति संबलपुर के इन स्थानीय विधायक जनार मिश्र भी प्रार्थी लगे प्रचार करते कि देखमा जे बीजेपी केन न केन गोटे पचार होचे खाली देखमा ये नौटा जेन जोन जेन भोट गणती होती है भितर आमर रेड़ाकोल जोन एक तीन बीजेपी खाली आगुआ रही अन्य जो रही जेन जोन मान को रेंगाली कथा कौन जमन किरा कुचिंडा बामरा कथा कौन नाक्टीदेल कथा कौन धनकोड़ा कि मानेश्वरी सबुन बीजेडी गोटे प्रकार आगे रही बीजेपी पचा पड़ी तो निश्चित पक्ष गोटे कथा कहमा जे गोटे प्रकार जे योजना मान थिला इटा केना केना गोटे गोटे पट तो पहला कथा जे बीजेपी ई सबके प्रसंग करके निर्वाचन प्रचार करता कितु आप जानते जेन हिसाब से शासक दल कथा मैंने सामना करता बीजेपी भी अभियोग करता कांग्रेस भी अभियोग करता टा बटन ये कथ बिल सद हो पारे यहाँ संक्रमण गोटे आशंका करें देखु आ गोटे कथा है देखमा जे देवगण बिल से समाज स्थित सामना के आउे देवगण बिल जेन रही जेन ब्लक मानक से देवगण भी यहाँ बीएडी गोटे प्रकार आगे रही है अलग कथ देखमा बरगड़ा भी से समाज स्थित आपड़ देखु जेन बरगड़ा बारटा ब्लक रही है बारटा तुम चार्टा विजेपुर गायसलाट पदमपुर पाइकमाल ये चार्टा ब्लक न बीजेपी आगुआ रही बल्कि बाकी आठटा ब्लक न बीजेडी आगुआ रही है तो जितेबले आम देखीचु निर्वाचन समयतीन जिन कर्मी लगे दिलर दलर नेता बा एमएलए माने एमपी माने जे समय प्रचार करथले जे इटा गुटी हे ताकर गुटे बड फलाफल सामना कहउछि जे इथिन जना पड़बा जे केन दल इथरो फेर जिल्ला मानको ताकर गड करबा कह लगे देखुन जिन हिसाब से आमे देखमा गला थरो समलपुर बीजेपी गड रखितला किंतु इथरो जिन हिसाब आज देख जना पड़छि जे इथरो बीजेडी बहुत समलपुर गड रखबा सब बरगड़ कथा भी से समान स्थिति जे कह लगे गला वर्ष भेल तार बीजेपी भ स्थिति थिला किंतु इथरो बीजेडी अधिक सीट हासिल करछि तो सबके देखबार के गला जेतेबेले आज जेतेबेले पहला पर्यायन भोट गणती होछि एबा कल भी भोट गणती है तो पूरापूरी तीन टा राउंड तीन दिन है गंती ये गंती जना पड़वा जे पश्चिम ओडिशा केन पार्टी अधिका दबदबा रहा कहे कि देखुन बीजेपी समान स्थित जिन समय थी गला बर्ष ए बर्ष नाइन तो ये सब बड़ कथ है जेन तीन दिन पर जेन भोट गणती है तो से समान जना पड़वा जे पश्चिम ओडिशा जेन हिसाब से रिजल्ट होगा कथा कण होगा कथा यहाँ से तीन दिन पर हे पूरापूरी क्लीयर हो पार्बा अनुराधा जेनता आप सुनुले आम प्रतिनिधि मैंने कहते गला थर बीजेपी दबदबा थिबार बिल्के इथरा बीजेडी दबदबा देखबा के मिलुछे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत नो सीताकांत संबलपुर समलय भई आम संगे जुड़ी हेतिला रोहित का सूचना देउथिले आज पाटनागढ़ जवाहरलाल कॉलेज के भोट गंती बिल्के बुली देखिथिले बलांगीर जिल्लापाल चंचल नाना जिलार सबू मतगणना केन्द्र बुलिकिना शांति श्रृंखला ठीक गंती चालू थिबार कहिथिले 14टा जगार सेंट्रल काउंटिंग प्रथम थर लगी एटा होउछे आउ प्राय सब जगह बहुत सुरखुरी चलीचे फोर्थ राउंड प्राय सब जगह आम काउंटिंग सरीगलान एवं जिला परिषद मानक जो रिजल्ट रही सेटा भी कंटिन्यूसली परिणाम पोर्टाल दि जाऊँच भल अरेंजमेंट्स मैंने कराई बहुत इलेक्शन ऑफिशियल्स मान तरफ पुलिस तरफ भी बहुत भल अरेंजमेंट्स कर सबुठ इम्पोर्टेंट आम पोलिंग एजेंट मानक बहुत भल कोऑपरेशन मिलूँ तक सहयोग और सब काउंटिंग फ्री आउ फेयरली कर पंचायत निर्वाचन भितरे चासिंकर दुख कष्ट के भूली गले नेता मंत्री माने कक्सरा ब्लॉक रो भिन भिन मंडी ने पड़ी रही हजार हजार क्विंटल धान जना प्रतिनिधि को भोट देकिना मंडी ने मुंडे हाथ देकिना बसिछन चासी माने कक्सरा ब्लॉक रो टेमरा आर कक्सरा मंडी ने आज के मास मास धरी किना पड़ी रही क्विंटल क्विंटल धान केतेबेले टार्गेट नहीं न तो केतेबेले मिलर्स कर असहयोग लागि चासी आज दुर्दशा भितरे मंडी ने पड़ी रही फेब्रुआरी एक तारीख ने 105 क्विंटल 8 तारीख ने 75 क्विंटाल आर 29 तारीख ने 29 क्विंटाल बिक्री लगे टोकन मिली छे हेले एबे तक एक केजी धान बिल बिक्री नहीं थी बार से माने कही छे युक्रेन ने युद्ध स्थिति लगातार भावे बिगड़ीबाने लगी छे भारतीयों को सुरक्षित हिसाब से फेरे आनबा लगी केन्द्र आर राज्य सरकार दुई जन निज चेष्टा मूल कर दीछन दिल्ली ने थिबार ओडिशा निवास ने 24 घंटिया कंट्रोल रूम खुला जाइछे इटार दायित्व निभाउछन आवासिक कमिश्नर रविकांत एबे तक प्राय 450 पिलांकु सेमाने संपर्क करिछन पिलांकर सुरक्षा निकिना लगातार हिसाबे
वैदेशिक मंत्रालय आर युक्रेन दूतावास संगे संपर्क करुचन कंट्रोल रूम। आमे बर्तमान अच्छु ओडिशा निवास नुआ दिल्ली में कार्यरत रेसीडेन्स कमिशनर अफिस आपड़ देखिपे मो पछपटे ही स्पेशल रेसीडेन्स कमिशनर अफिस अच्छी सीधा सड़क जी रविकांत रही आईएएस अफिसर से सीधा सड़क लीड कर जो ओडिया पिलाने फसी जाइंट युक्रेन में राज्य सरकार दायित्व देखते नुआ दिल्ली रही सीधा सड़क पिला कंटाक्ट करते शीघ्र पाने फेर से नहीं बर्तमान गोटे प्रक्रिया आरंभ हो 1103 नंबर रूम को बर्तमान कह कैमरा पर्सन को देखे 1103 नंबर रूम रे बर्तमान आम पहुंचीचु ये रूम टी स्पेशल काम कर जो अफिसर मान रही ओडिशा निवास एवं भवन रने लगातार भावे गत कालीठू ये कार्य लगे पखापाखि 450 पिला बर्तमान से मैंने कंटाक्ट कले विभिन्न फोरम रे टेलीफोनिक कनभरसेसन मध्यम से मानकर जो गार्डियन मान थ्रु में लगातार भाव से पिला ट्राए करते शीघ्र से इवाकुएट कर जो पिला सेमानंकर सविशेष तथ्य एमईए सहित मिनिस्ट्रल जो एफेयर्स मंत्रालय रही सहित सेयार कराऊ वैदेशिक मंत्रालय सहित लगातार भाव से कंटाक्ट रही युक्रेन एम्बेसी रशिया एम्बेसी सहित कंटाक्ट रोचे केते शीघ्र सेफली इवाकुएट हो पारे आम ओडिया पिला लगातार भाव कार्य जारी रखिंट देखिपे आपण सामने ही ये लिस्ट रही जी रही अमित कुमार आर्गही ये जी कहे जो रही युक्रेन ओडेसा सिटी सी रोते पूर्वर कॉलेज नाम रोज हिज ए डॉक्टर एंड वर्किंग देयर से भाई अनेक जो पिला रही सविशेष तथ्य से मैंने इंटरनेट रु बाहर कर गार्डियन पाखर किसी तथ्य आनी तेणु आम आशावादी रही जो पिलाने रही खासकर जो ओडिया स्टूडेंट मान रही सेफ्रे आसतु समस्त प्रयास जारी रही भारत सरकार कथ कहु ओडिशा सरकार कथ कहु समस्त प्रयास जारी कर भारत सरकार ऑलरेडी गोटे डिक्लेयर करछन्ति जो पिलामाने आसिबे तार समस्त खर्च से बियर करिबे। राजनाथ सिंह के समय पूर्व एने प्रतिक्रिया देछन्ति लगातार भाव प्रयास जारी रही जो पिलामाने रही पोलैंड बॉर्डर को अणा जाउछि से बॉर्डर से बॉर्डर रु से सेफली मूव कर तबे आज इंडियन एयरफोर्स जहाँ रही एयर इंडिया कि इंडियन एयरफोर्स हुए तो गोटे स्पेशल विमान जापे से पिलामानंकु इवाकुएट कर अपेक्षा रहा से केते ओडिया पिला सामिल होती जदि ओडिया पिला आसित भाव आम से तथ्य आपको देवु केते ओडिया पिला आस कहीं सब गार्डियन बर्तमान अनई बस पाने केबे एवं क्यों केते बेले से माने भारत को फेरिबे एवं ओडिशा माटी को फेरिबे आमे मध्ये अपेक्षा रखुचु समस्ते सेफली आसंतु एवं निज घरे पहुंचंतु। नदलु कैमरा पर्सन आदित्य सहित गगन अर्गस न्यूज आके भी खबर देखमा एबे समय उठे ब्रेक रो ब्रेक उतरु स्वागत खबर के फिल्मा पूर्वतन मुख्यमंत्री हेमानंद बिश्वाल शेषकृत्य जन्ममाटी ठाकुरपड़ा ने हेबा चिकित्साधीन अवस्थाने राजधानी गोटे घर हस्पिटाल 83 बछर बयसती मृत्यु होता दुई दुई थर मुख्यमंत्री सांगे थरे उपमुख्यमंत्री हिसाब से दायित्व निभेचन। हेमानंद बिश्वाल मृत्यु थी राजनैतिक महल ने शोकर छाय खेली जाइए। प्रधानमंत्री राज्यपाल मुख्यमंत्री केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पीसीसी सभापति सांगे बहुटे नामीदामी व्यक्ति तांकर मृत्यु थी शोक प्रकाश कर पूर्वतन मुख्यमंत्री हेमानंद बिश्वाल शेषकृत्य जन्म माइट ठाकुरपड़ाने हेबा झारसुगुड़ा ठाकुरपड़ाने हेबा चिकित्साधीन अवस्थाने गला काली राजधानी गोटे घर हस्पिटाल मृत्यु होता मृत्यु बेलके 83 बछर होता दुई दुई थर मुख्यमंत्री सांगे थरे उपमुख्यमंत्री हिसाब से दायित्व निभे सारिछन। राउरकेला महावीर प्लांट ने श्रमिकों मृत्यु राउरकेला बेदव्यास अंचल प्रशांत कुमार बेहरा 4 मास कंट्राक्टर अंडर ने काम करुले काली नाइट सिफ्ट थी बेलके
କନଭେର ବେଲ୍ଟ ନେ ଚାପି ହେଇକିନା ତାଙ୍କର ମରଣ ହେଇଛେ। ତାଙ୍କୁ ESI ହସ୍ପିଟାଲର ମର୍ଗ ହାଉସ୍ରେ ରଖାଯାଇଛେ। କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଦେଖା ନେଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ପରିବାର ଲୋକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛନ୍। କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକେ 50 ଲକ୍ଷ ଆର୍ ତାଙ୍କର ଭାଇକେ ଚାକିରି ଦେବାକେ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନେ କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛେ। ତାର୍ ଲାଗି ଯେତେବେଲ ତକ୍ ଆମର ଦାବି ପୂରା ନେଇ ହେଇଛେ ସେତେବେଲ ତକ୍ ଲାସ୍ ନେଇ ଉଠେ ବୋଲିକିନା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ ପରିବାର ଲୋକ। ସେ କେବଳ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ କାମ ଆଦାୟ କେମିତି କରିହେବ, ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭଲ ମନ୍ଦ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ କି କ'ଣ ସେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସେ ପିଲାଟି ଅବିବାହିତ ପିଲାଟି ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ତା'ର ବାପା ମାଆ ବା ତା'ର ବିଧବା ମାଆ ଆଜି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା, ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ, ତାଙ୍କର ସାନ ମାଆ ବିଧବା ଅଛି, ସାନ ପୁଅଟି ଅଛି, ତେଣୁ ଇଏ ବଡ଼ ପୁଅ, ଇନକମ୍ ଜଣେ କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସେଥିରେ ଚଳୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପିଲାଟି ଏକ୍ସପାର୍ଟ କଲାପରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କେମିତି ଚଳିବ, ତେଣୁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲଫିଲ୍ ନ ହୋଇଛି, ଆମେ ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛୁ ସେମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ଉଠେଇବୁ ନାହିଁ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ଜନମ ମାଏଟ ଠାକୁର ପଡ଼ାନେ ହେବା। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାନେ ରାଜଧାନୀର ଗୋଟେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ 83 ବର୍ଷର ବସ୍ତି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏ ବାବଦ ନେଇ ଅତକା ସୂଚନା ଲାଗି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିସାରିଛନ୍, 2 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଥରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ। କାଲି ଗଲାକାଲି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛେ। ତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମ୍ୟାଟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଠାକୁର ପଡ଼ାନି ହେବା। ସେନର ପରିବେଶ କେନ୍ତା ଅଛି ଏବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁରାଧା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶୋକାକୁଲ ପରିବେଶ ଅଛି। ତାଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ କଥା କହୁନ, ସମର୍ଥକ କଥା କହୁନ, ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ବାସଭବନ ଠାକୁର ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍। ଏବେ ଯାହା ତାଜା ଖବର ଅଛି, ତାଙ୍କର ମରଶରୀର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାନ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍, ଏବଂ ତାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସରେ ହେଲେ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍। ଏଠି ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେବାକେ ଯାଉଛେ, PCC ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍, ଚେଲା କୁମାର ହେଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ଆଇଛନ୍, ଆଉ ଅନେକ ବିଧାୟକ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରପଡ଼ାରେ ଆସିଛନ୍। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ତାମାନେ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ମରଶରୀର ତାଙ୍କ ନିଜର ଜନ୍ମ ମାଟି ଠାକୁରପଡ଼ାକେ ଆଇବା। ଆମେ କହିପାରମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଶୋକର ମାହାଲ ଖେଳି ଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ହେ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଅନେକ ବିକାଶ କରିଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା କଥା କହୁନ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କଥା କହୁନ୍, ତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍, ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର ଆଗରୁ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅନେକ ଛାତ୍ର ହେଲେ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳକେ ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍। ସୁରେନ୍ଦ୍ର କହୁଥିଲେ କି ହଉଛି ସେ ଗଲା ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍, ସେ 2 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିସାରିଛନ୍, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍, ତାଙ୍କର ମରଣ ହଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲାଗି ଗୋଟେ ଖାଲି ଜାଗା ବାହାର କରିଛେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କହିପାରମା ଅନୁରାଧା, ଯେହେତୁ ସେ ଲୟକେରାରେ ପୁରା 6-6 ଥର ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ତ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଆମେ କହିମା ଲୟକେରା ଅଞ୍ଚଳଟା ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ହେ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଆମେ କହିବାକେ ଦେଖିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଚେହେରା ଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଗଲା 2009-2014 ଯେବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲୋକସଭାରୁ ହେଲେ ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ, ଏବଂ ସେ ଲୋକସଭାରେ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ତାଙ୍କର କେନ୍ତା ବିକାଶ ହେଇପାରବା ସେଥିଲାଗି ଅନେକ ଦାବି ସେ ଉଠେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଲେବଲି ସେ କାମ କରିଥିଲେ। ଯଦି ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆମେ କହେମା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଥା କହେମା, ଇ ଲୟକେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଯେ ସେବାଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକ ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ସେବାଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ବିକାଶ କରିପାରିଥିଲେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କହିପାରମା ଯେ ଆଜି ଆମର ଗହଣରେ ତ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ ନାଇଁନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି ଯେନ୍ତା ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ କହୁଥିଲେ କି ସେ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଚେହେରା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମରଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଜାଗା ବାହାର କରିଛେ, ସେ ସବୁଦିନ ଲାଗି ସବକର ମନେ ଘର କରିକିନା ରହିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଏତକା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ନୂଆଖାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କେ ଇନରକମା ରହୁଛେ, ଜୁହାର।